दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के रूल्स को फॉलो करते हैं और साथ ही एक तरीके के फिजिट स्पिनर्स होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस कैटेगरी की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 10, फिंगर्स। दोस्तों, बच्चों को आपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा जिन्हें कि वो अपने हाथों में फंसाकर टाइम पास किया करते थे, लेकिन वो चीज समय के साथ साथ थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अगर आप कुछ ऐसा ही चाहते हैं अपने हाथों में फंसाकर टाइम पास करने के लिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की मैग्नेटिक रिंग्स को। दोस्तों, ये मैग्नेटिक रिंग्स होती है जिनमें ऊपर की तरफ प्लास्टिक कवर होता है और ये कलरफुल रिंग्स काफी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। इन्हें जब आप उंगलियों पर फंसाकर घुमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एकदम स्पिनर वाली फील आ जाएगी। इस तरीके की चीजें खासतौर पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि अगर आप किसी टॉपिक पर सोच रहे हैं और बहुत गहन चिंतन में हैं, तो इसे उंगलियों में फंसाइए और दिमाग की गहराइयों में खो जाइए। तो ये चीज बड़ी ही कमाल की रहेगी, जिसका इस्तेमाल आप टाइम पास के अलावा काफी सारे गेम्स में भी कर पाएंगे। इसे आप अलग अलग तरीके के गेम्स बना सकते हैं, जिसे कि आपको खेलने में काफी मजा आएगा। नंबर 9, थिंक इंक पेन। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग चीजों को गहनता के साथ सोचते हैं तो हाथ में कोई ना कोई जो भी उनकी चीज होती है उसे पकड़कर उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं उनकी फोकस को बढ़ाती है, जिससे कि वो और भी अच्छी तरीके से सोच पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी टेबल पर कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जिससे कि जब भी आपको खाली समय में कुछ सोचना हो और आप अपने आप को फोकस करना चाहते हो, तो इस तरीके के पेन को ट्राई करिएगा। दोस्तों, इस पेन की खास बात ये होती है कि इसके काफी सारे पार्ट्स मूविंग होते हैं और इसके ऊपर के हिस्से को मैग्नेटिक बनाया गया है, जहां पर आपको एक छोटी सी मैग्नेटिक बॉल देखने को जाएगी, जिससे कि आप गोल गोल घुमा सकते हैं। साथ ही इस पेन का जो हुक होता है वो भी एक तरीके का मूविंग पार्ट ही होता है इस पेन का, जिसे कि आप गोल गोल घुमाकर नचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा स्पिनर की तरह काम करती है, जिससे कि इसके साथ खेलते समय आपको काफी मजा आएगा। तो इस तरीके के पेन का इस्तेमाल आप लिखने के साथ साथ और भी काफी सारे कामों में कर सकते हैं, और साथ ही ऑफिस टाइम में ये आपके फोकस को बढ़ाने में मददगार रहेगा। नंबर 8, फील फ्लक्स। दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने बुक्स में तो पढ़ा होगा, लेकिन रियल लाइफ में क्या कभी इसे फील किया है? अगर नहीं तो बस इस गैजेट को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें एक छोटी सी मैग्नेटिक बॉल होती है, जिसे कि एक खोखले सिलेंडर में डाला जाता है। नॉर्मली तो इसे तुरंत नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बहुत धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे कि आप इस मोशन को फील कर पाएंगे इस सिलेंडर में। दोस्तों, ये चीज काफी ज्यादा कमाल की लगती है, जिससे कि आप मैग्नेटिज्म को तो फील कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स के इस रूल को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। नंबर 7, मिज्मो ग्लोब। दोस्तों, ये गैजेट देखकर आपको काफी हैरानी होगी और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। दोस्तों, बचपन में एक समय था जब हम लोग लट्टू नचाया करते थे, जिसे कि रस्सी से या फिर हाथ से तेजी से घुमाकर छोड़ दिया करते थे, जिससे कि वो काफी देर तक नाचता रहता था और हम लोग देखा भी करते थे कि कितनी देर तक वो नाच रहा है। लेकिन समय के साथ साथ चेंजमेंट आता गया और चीजें भी अपने आप में चेंज हो गई, और इस गैजेट को देखने के बाद आपको इस बात पर विश्वास भी हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा गैजेट है जो कि देखने में आपको एक छोटे से लट्टू जैसा लग सकता है या फिर पेपर वेट जैसा। हालांकि इसमें अलग अलग साइज आते हैं जिन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं, और जैसे ही आप इसे एक बार तेजी से घुमाकर छोड़ देते हैं तो ये काफी तेज तक गोल 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 घुमा करता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और इसमें ऊपर की तरफ ऐसे कट्स बने होते हैं जो कि इसे और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाते हैं। तो ये चीज देखने में काफी अच्छी लगेगी, जिसे कि आप अपनी ऑफिस टेबल पर रख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक पेपर वेट की तरह भी काम करता है। नंबर 6, थंब चक्स। दोस्तों, एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपके हाथ में एक कीरिंग जैसी चीज हो तो कहीं ना कहीं आप उसे उंगली में फंसाकर गोल गोल घुमाना शुरू ही कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन सी बात होती है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं इस गैजेट को, जो कि काफी बेहतर रहेगा, जिससे कि आप अलग अलग काफी सारी ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बॉल्स होती है जो कि आपस में एक छोटे से रिबन के सहारे जुड़ी रहती है, और इन बॉल्स को आप अपनी उंगलियों में फंसाकर अलग तरीके से मूवमेंट करा सकते हैं, जो कि देखने में काफी सही रहता है। वहीं दोस्तों, रात के समय इसमें आप जो है इसकी LED लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा ड्रामेटिक बन जाता है। दोस्तों, इसमें 100 से भी ज्यादा ट्रिक्स होती हैं जिन्हें कि आप हाथों में फंसाकर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आदत है चीजों से कुछ इस तरीके से खेलने की, तो इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स को ट्राई करके भी देख सकते हैं। नंबर 5, क्रूक्रिन। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज दिखाने वाला हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उस पर फिजिक्स के रूल काफी सारे अप्लाई होते हैं। अगर आप इस छोटे से लकड़ी के गुटके को देखेंगे तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा शेप इसे दिया गया है कि जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ गिराते हैं तो फौरन ये फिर से उठ खड़ा होगा। तो ये चीज देखने में काफी अजीब सी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फिजिक्स की वजह से होता है। तो इससे भी आप अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं, खुद को फोकस रख सकते हैं किसी टॉपिक पर, और ये चीज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने में आपको एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग तो देगी ही। नंबर 4, फिजिट फोन होल्डर।
दोस्तों फिजिट स्पिनर एक ऐसी चीज है कि अगर आपके हाथ में भी आ जाए तो आप भी उसको गोल गोल नचाना शुरू ही कर देंगे। तो अगर आपको भी पसंद है फिजिट स्पिनर तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा होल्डर होता है जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन के बैक कवर पर लगा देते हैं और जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर के हुक को निकालते हैं और अपनी उंगलियों में फंसा कर गोल गोल घुमाते हैं तो आपको स्पिनर वाली फीलिंग आ जाएगी। ये दो जगह और काम आता है, एक तो दोस्तों अगर आप रात में चैटिंग कर रहे हैं और फोन आपके ऊपर की तरफ है तो ऐसे में अगर आपको नींद आ जाती है तो फोन आपका जो है नीचे नहीं गिरेगा बल्कि आपके उंगलियों में फंसा रहेगा। साथ ही दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक छोटे से मोबाइल स्टैंड की तरह भी काम करता है। तो अगर आप एक फोन यूजर हैं और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आपके हाथ से फोन गिर जाता है या फिर आपको स्टैंड की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके के छोटे से गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर थर्ड, फ्लाइनोवा। दोस्तों बचपन में कैचम कैच खेला होगा जिसे कि आप बॉल हवा में उछालते थे और वो आपकी तरफ फिर से वापस आती थी और आप उसे पकड़ लेते थे। तो बचपन में तो ये खेल काफी मजेदार लगता ही था, हालांकि अभी भी लगता होगा बहुत से लोगों को, लेकिन अगर आप इसे थोड़े से नए अंदाज में खेलना चाहते हैं तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी बॉल होती है जिसमें कि अंदर की तरफ प्रोपेलर्स लगे रहेंगे और जैसे ही इसे आप हवा में फेंकेंगे तो ये बड़ी धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में जाती है दूसरी तरफ, जो कि देखने में काफी मजेदार लगता है और कहीं ना कहीं इसे आप अलग अलग तरीके के काफी सारे गेम्स बनाकर खेल सकते हैं। तो दोस्तों बच्चों को ये चीज काफी पसंद आएगी जिससे कि वो बिना घर में तोड़फोड़ किए कैचम कैच जैसे खेल का आनंद ले सकते हैं। नंबर सेकंड, स्विंगिंग स्टिक्स। दोस्तों अगर हम एक ऐसे गैजेट की बात करें जो कि काइनेटिक एनर्जी पर काम करता हो तो ये चीज आपको काफी मजेदार लगेगी। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि छोटी छोटी स्टिक्स लगी होती हैं जिन्हें कि आप जैसे ही एक बार घुमाकर छोड़ देते हैं तो ये खुद ब खुद काफी देर तक ऐसे रोटेट करती रहती हैं, जो कि कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। दोस्तों इस तरीके का गैजेट अगर आपने ध्यान दिया हो तो आयरन मैन मूवी के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिला था, जहां पर ये टोनी स्टार्क के ऑफिस की टेबल पर रखा रहता है। तो दोस्तों वहां से ये गैजेट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसे आप भी चाहें तो अपनी टेबल पर सकते हैं सजाकर। नंबर वन, स्पिन फ्लॉक्स। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूं जिसे कि आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं एक टाइम पास गैजेट के रूप में। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा मैग्नेटिक गैजेट होता है जिसके साथ आपको एक छोटा सा मैग्नेटिक लकड़ी का पैड मिल जाता है और जब आप इस पर घुमाते हैं तो ये काफी देर तक उस पर नाचता रहता है, तो ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। साथ ही इसके बीचों बीच एक छोटी सी मैग्नेटिक बॉल लगी रहती है जिसे कि आप गोल गोल हाथ से घुमा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीके का टाइम पास रहेगा और आपको फोकस करने में भी ये चीज मददगार रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके के छोटे से गैजेट को अगर आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।